इसराइल और लेबनान के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिक को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वो लेबनान छोड़ दे। जो लोग किसी भी कारण से रुके हुए हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें, हमास और इसराइल के बीच जंग को लगभग एक साल होने वाले हैं और अब इसराइल हिजबुल्ला को खुलकर टारगेट कर रहा है। पिछले हफ्ते पेजर अटैक से शुरू हुआ हमला अब हवाई हमलों पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक इसराइल की बमबारी में लेबनान में 560 लोगों से ज्यादा मौतें हुई हैं और अब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नरसंहार बताया है। इसराइल ने भी दो टूक साफ कर दिया है कि हिजबुल्ला की हरकतों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और हिजबुल्ला को खोज खोज कर मारा जाएगा। इसराइल के राजदूत ने कह दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भयंकर कार्रवाई बाकी है। लगातार हिजबुल्ला पर इसराइल हमले कर रहा है और जवाबी कार्रवाई हिजबुल्ला भी कर रहा है। इजरायली सेना कई महीनों से ही लेबनान के ठिकानों पर हमले कर रही थी, लेकिन 17 सितंबर को इजरायल ने अपने लोगों से लौटने को कहा और तभी से लग रहा था कि इजरायल लेबनान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। और उसके बाद से पेजर अटैक, इसके बाद लगातार हवाई हमले और अब ये जंग आगे बढ़ती जा रही है और काफी भयानक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।